रखिएगा ऊपर पहले, फिर जाके बैठ जाना चाहिए। फ्राई करेंगे तो इस तरीके से लेयर बनेगी, सबको यहाँ पे निकाल दे। पफ पेस्ट्री समोसा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। मेरे भाइयों, कमाल की रेसिपियां, हमारी रेसिपियां, अथेंटिक रेसिपियां, क्रिस्पी रेसिपियां, पेस्ट्री समोसा किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। खस्ता होगा, कुरकुरा होगा, मुंह से नहीं खाना, होठों से ही टूट जाएगा वो। इतना टेस्टफुल हम बनाने का तरीका बताएंगे आपको, पेस्ट्री की उसको शक्ल देंगे और लेयर्स उसके ऊपर किस तरीके से बनाएंगे, टेस्टफुल खस्ता किस तरीके से बनेगा। तवज्जो से देखना है, विदाउट स्किप किए एंड तक देखना है। पेस्ट्री समोसा बनाने के लिए आधा किलो हमने मैदा ले लिया समोसे वाला। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। हाफ टी स्पून नमक का शामिल कर दें, 500 ग्राम मैदा आधा किलो, अजवैन हाफ टी स्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया। अगर आप जीरे का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनका समोसा या पेस्ट्री जो भी आप तैयार कर रहे हैं ये फट जा सकता है, इसलिए मैं अजवैन का इस्तेमाल करता हूँ, जीरे का इस्तेमाल नहीं करता, ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आधा कप घी, ऑयल नहीं बेचे दाब देना, ये नहीं मैं कह रहा कि घी पा दो या ऑयल पा दो ना भाई, इसमें डो जो लगती है समोसों की इसमें कौन दबदा है ऑयल, घी मेल्ट किया हुआ आधा कप चाय वाला, ठीक हो गया। शामिल कर दें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। मेल्ट कर लिया था घी, हल्का हल्का सा गर्म है बस, इस तो बहुत नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने, जब इसको घी को मिक्स करेंगे इस तरीके से आपने इसका उठा के लड्डू तैयार करना है, इस तरीके से तैयार हो जाएगा, समझे आपकी जो भी डो लगा रहे हैं खस्ता बनेगी। अच्छा, अब पानी नीम गरम, हल्का सा नीम गरम पानी ले लिया, आधा कप डाल लिया इसमें, आधा कप लगेगा नहीं लेकिन आधा कप हमने डाल लिया मेजरमेंट के लिए ताकि आपको कप में भी समझ आ जाए। थोड़ा सा शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से गूंद लेंगे और फिर हम देख लेंगे कितना पानी लगा, इसलिए मैंने कप में अलग से ले लिया। ये ले जी, इस टाइम पे आके थोड़ा सा पानी बचा हुआ था ये भी लगा दें, आधा कप पानी का लगा, अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे, इसकी डो तैयार कर लेंगे, 2 से 3 मिनट हम इसको गूंदेंगे अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। इसको हमने इस तरह की डो तैयार कर ली, ठीक हो गया। अब हम इसको रेस्ट देने लगे हैं 20 से 25 मिनट के लिए, ऊपर से इसको इस तरीके से कवर कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है, गल समझ आ रही है। ये इसको कवर कर दिया हमने, 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक इसको रेस्ट आता है, ये रास में आती है, डो हमारी सेट होती है, तब तक हम इसकी आपको इसकी फिलिंग का तरीका बताते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दें। ऑयल गर्म हो गया, 1 टीस्पून जीरा सफेद इसमें शामिल कर दें, 20 से 25 सेकंड के लिए इसमें इस तरह घुमा लें, ठीक हो गया। 20-25 सेकंड के बाद हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, इसको इस तरह घुमा लें थोड़ा सा। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा घुमा लिया, अब इसके अंदर शामिल करेंगे अजवैन हाफ टी स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पिसी हुई मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून शामिल कर दें, इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लें, कोई मसला नहीं। फ्लेम को बंद कर दें, कटोरा बॉक्स हटा दें यहाँ से, इस तरीके से कोई मसला नहीं है, चूल्हा साइड पे करने लगे हैं। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे, ये देखें फ्लेम, ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें थी 3 से 4 अदद जो कड़वी कम होती हैं वो शामिल कर दें, सब्ज़ धनिया शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास आलू थे आधा किलो, कैमरामैन दिखा सके तो, हमने इनको बॉईल कर लिया हल्का सा नमक डाल के, गल समझ आ रही है मेरी, मैं की कह रहे हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मैश करना है, बारीक मैश करना है, ठीक हो गया, हाथ से तोड़ना नहीं है क्योंकि हम ये पेस्ट्री समोसा तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर हमें मोटा आलू नहीं चाहिए, इस तरह का बारीक वाला चाहिए इस तरीके से, ठीक हो गया। ये सारे मैं इस तरीके से बारीक कर लूं आधा किलो आलू, फिर मैं आपसे मिलता हूं।
आलू मैश करने के बाद इस तरीके से उठा के इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। दो तैयार हो गए, ये फिलिंग तैयार हो गई, इस तरीके से यहाँ पे ले आए इसको, ठीक हो गया। अब हमने इसकी एक स्पेशल किस्म की लई टाइप तैयार करनी है जिससे लेयर्स तैयार होंगी। अभी हमने उसके लिए कॉर्नफ्लोर ले लिया, 3 टेबलस्पून शामिल कर दें और इसके अंदर अब हम मेल्ट शुदा घी शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और मेल्ट किया हुआ घी। अब घी कितना शामिल करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमने टोटल लिया हुआ था 5 टेबलस्पून, ये हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून शामिल किया और ये हम देखेंगे कि किस तरह की हमें लई चाहिए। ये देखें, इस तरह की हमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 3 टेबलस्पून मेल्ट शुदा घी। ये लई तैयार होगी, इसको साइड पे कर दें, ये भी साइड पे कर दें। ये जो हमने डो लगाई हुई थी इसको उठा लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ले आए, टेबल पे हल्का सा कपड़ा लगा लें, ठीक हो गया। ये खुशका यहाँ पे रख लें, इसको खोल दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। कमाल की रेसिपी दर्शन गया इस बार। एक दफ़ा इसको अच्छे से इस तरीके से मल लें, वर्किंग टेबल पे लें, अच्छे से एक दफ़ा इसको मल लें। इस तरह करके हमने इसको गोल बना लेना है इस तरीके से। तवज्जो से मेरी बात समझते रहें। इस तरीके से हमने गोल बना के अपने आप इसकी कटिंग करनी है, जिस साइज आप अपने हिसाब से देख लिया करें। अब मैं किस साइज का लूंगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया, इनको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ये डाल दें। फटाफट से मैं आपको समझा दूं, ये एक उठाएं, इस तरह रखी हुई है, इसको उठाएं, इस तरह कर लें, ठीक हो गया। इस तरह करके सबको इस तरीके से इसके ऊपर इस तरह हथेली का वजन दें, इस तरीके से ये इस तरीके से शक्ल में आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये सब मैं इस तरीके से बना लूं, ये देखें, सब हमने इस तरीके से बना ली। अब बेलने की मदद से हम इनको बेलने लगे हैं। अब कितनी साइज की बेलनी है ये देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। अच्छा, ये अब समोसा, हम पेस्ट्री समोसा तैयार कर रहे हैं, ये सही बिल रही है नहीं बिल रही है, आपने कोशिश करनी है कि पतला बिले, जिस तरह का मर्जी बिले, छोटा वड्डा जो हो जा बेल लो, ठीक हो गया। ये देखें, कैमरामैन आपको क्लिप दिखा रहा है, हम इसको बेलने लगे हैं, एक रोटी की शक्ल में इसको लेके आने लगे हैं, गुलाई में बेलना है, ठीक हो गया। ये देखें, इस तरह का ये बिल गया और इसको अब हमने यहाँ पे साइड पे ले आए, थोड़ा सा खुशका यहाँ पे डाल दें ऐसे, ठीक हो गया। और सब हम इस तरीके से बेल लेते हैं तमाम रोटियां। सारी रोटियां हमने बेल ली, थोड़ा सा खुशका उठाएं यहां पे डाल दें इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक हो गया। एक रोटी उठाएं यहां पे ले आए, ये जो हमने तैयार की थी लई कॉर्नफ्लोर और घी से, ये इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें, अच्छे तरीके से इस तरीके से सब पे फैला दें, कोई मसला नहीं है। फिलाने के बाद हल्का सा मैदा इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें, हल्का हल्का। अब दूसरी रोटी उठाएं, इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें, कोई मसला नहीं है। और फिर इसी तरीके से ये लई इसके ऊपर डालें इस तरीके से, और इसी तरीके से मैदा डालें। सब रोटियों को मैं इसी प्रोसेस से गुजारूंगा, कैमरामैन आपको क्लिप दिखाता रहेगा। मैदा डालें, एक दूसरे के ऊपर हमने इसको रखना है, अलग अलग नहीं रखना, गल समझ आई, सारियों को कट्ठिया ही कर देना है इस तरीके से, हल्का हल्का इस तरीके से। फिर ये ले डाल दें, सब मैं इस तरीके से कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। फिर जिस तरीके से लगा दिया, ये लास्ट वाली रोटी भी इसके ऊपर रखने लगे हैं इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको यहां से उठाना है और इसको इस तरीके से टाइट करके फोल्ड करते आना है, इस तरीके से उठाना है, इसको फोल्ड करते आना, रोल टाइप बना लेना है, गल समझ आ रही है। इस तरीके से इसको सबको फोल्ड कर लेना है हमने, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से,
इस तरीके से ठीक हो गया। ये इस तरीके से रोल करके इसको हल्का हल्का दबा देना इस तरीके से। ये देखें इस टाइम पे आके जब हमने इसका रोल कर लिया, इसको यहां से इस तरीके से हम कट करने लगे हैं ऐसे। ये देखें इस तरीके से, 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 इस तरीके से सबको कट कर लें। कट करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये इस तरीके से था, इसको इस तरह सीधा कर लेना है और यहां से इसको प्रेस कर देना है इस तरह। ठीक हो गया, ये सबको हम इस तरीके से प्रेस करेंगे अब दोबारा से। ये देखें इस तरह हमने काटा, इसको उठाया ऐसे किया, गल समझ आ रही है, हल्का सा खुशका लगाया, इसको ऐसे प्रेस कर दिया। अगर कैमरामैन दिखा सके लेयर इसकी पेस्ट्री समोसे की, ये देखें इस तरीके से उठाया ऐसे किया, इसको प्रेस कर दें। ये सब मैं इस तरीके से कर लूं फिर मैं आपसे मिलता हूं। तमाम इस तरीके से करके अब हमने हल्के बेलने से, ज्यादा जोर से नहीं लगाना, हल्का हल्का इसको बेलना है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ज्यादा जोर से नहीं लगाना आपने। ठीक हो गया, गल समझ आ रही है, हल्का सा यहाँ से इस तरीके से। अगर ये यहाँ से आपसे ना बिल रहा हो तो हल्का सा पानी लगा दें, कोई मसला नहीं है। पानी लगा के इसको इस तरह फोल्ड करके फुशका लगा के इसको हमने हल्की सी रोटी बेल लेनी है। ठीक हो गया, ऐसे जब हम इस तरीके से इसको बेल लेंगे, ये फिलिंग अपनी उठाएंगे, यहाँ सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से इसको यहाँ पे हल्का हल्का पानी लगाएंगे साइडों पे, यहाँ पे और यहाँ पे हर तरफ पानी लगा लेंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से इसको यहाँ से उठा के इस तरीके से यहाँ पे बंद कर देंगे, इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे ऐसे। गल समझ आ रही है, प्रेस करने के बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरीके से काट देना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से काट देना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से काट देना है ताकि पेस्ट्री की शक्ल आ जाए। ठीक हो गया, इस तरीके से ये हमने काट दिया। अब ये जो कांटा की मदद से इसको यहाँ पे इस तरीके से निशान दे देने हैं खूबसूरती के लिए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह, इस तरह, इस तरह, यहाँ पे इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। ये सब मैं इस तरीके से तैयार कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तमाम पेस्ट्री समोसे हमने इस तरीके से इसकी फिलिंग कर ली और तैयार कर लिए। तो यहाँ पे हमने घी चढ़ा दिया, फ्लेम मीडियम टू लो रखा, मेरी बात ध्यान में रहे, हाई फ्लेम पे इसको अगर आप फ्राई करेंगे ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसके लेयर्स नहीं बनेंगी, खस्ता नहीं बनेंगे, ये समोसा हमारा नीचे जाके बैठ जाए, 8 से 10 मिनट इसका फ्राई टाइम लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा ऊपर नहीं आना चाहिए फ़ौरन से पहले, गल समझ आ रही है, इस तरह नीचे जाके बैठ जाना चाहिए। ऐसा ऐसा करके ऊपर आए, इस तरीके से हमने डाल दिए। अब ये फ्राई होते रहेंगे तकरीबन, ये 3 से 4-5 मिनट लेंगे ऊपर आने में। जब ये ऊपर आएंगे कैमरामैन आपको क्लिप दिखाएगा, फिर ऐसा ऐसा इनका कलर बनता जाएगा। ठीक हो गया, पफ समोसा खुद ऊपर आ गया ऐसा ऐसा, और ये लेयर्स देखें अगर कैमरामैन दिखाए तो बननी शुरू हो गई। इस तरीके से अगर आप कुक करेंगे, फ्राई करेंगे तो इस तरीके से लेयर्स बनेंगी, अगर तेज आंच पे करेंगे फिर ठीक नहीं बनेंगी। ठीक हो गया, ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रही हैं, 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अभी 5 मिनट मजीद लगेंगे इसे। आहिस्ता आहिस्ता ये कुक हो रहे हैं, मैं ज़्यादा पंगे नहीं ले रहा इससे, ना आपने पंगे लेने हैं। ऐसा ऐसा इनको इस तरीके से हिलाते रहना है, इनकी लेयर्स बनती रहेंगी, ये कलर में आते रहेंगे, साइडें चेंज करते रहेंगे, ऐसा ऐसा इस तरीके से हैं जी, आराम आराम से 10 मिनट लगेंगे, ये बात ध्यान में रहे, फटाफट फ्राई करके निकाल लेना है। ठीक हो गया, अजाने भी हो जाएं उसके बाद मैं आपको इनको फाइनल लुक दिखाऊंगा। 10 मिनट के बाद इनकी कंडीशन कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये पूरे तरीके से लेयर्स बन गई हैं, ये कुक हो गए हैं, मैंने पंगे ज़्यादा नहीं लिए। अगर ज़्यादा आप छेड़छाड़ करेंगे ये खुल जाएंगे, या खस्ता नहीं बनेंगे, या ठीक नहीं बनेंगे। 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा लग सकते हैं, कम नहीं लगेंगे। फ्लेम को बंद कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पफ पेस्ट्री समोसा इस तरीके से, गल समझ आ रही है, इसको सबको यहाँ पे निकाल दें, ए देखो, ए देखो,
लड्डू बना देते मैं पेड़े। ये देखें, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह लुक वाइज कितने खूबसूरत और कितने टेस्टी तैयार हुए हैं। पफ पेस्ट्री समोसा फुल गर्म है, फुल मैं हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन क्योंकि आपको खस्तापन दिखाने के लिए, इनकी लेयर्स दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं चम्मच की मदद से तोड़ रहा हूँ इनको। देखें हैं, ए ए ए साउंड है, ए देखो ए ए। अब ये साफ टमाटो केचप के साथ आप खाएंगे इसे इस तरीके से। अब मैं टिशू की मदद से आपको इनकी लेयर्स वगैरह दिखा सकता हूँ। टिशू ले लो क्योंकि गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें किस तरीके से बने हैं, खस्ता देख लें किस तरीके से हैं। ये देखें मेरे भाइयों, पफ पेस्ट्री समोसा आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये गर्म है, गर्म समझ आ रही है, फिर भी थोड़ा सा चौक लाएंगे, चौक लिया। पफ पेस्ट्री समोसा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से एक न्यू चीज़ आप मार्केट में मुतारफ़ करा सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको मेरे वाल देखो, इधर देखो, उधर की देखो, मैं बेरोज़गारी के खात्मे के लिए ठहरा हुआ हूँ। आप लोगों की सपोर्ट का मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।